यार अकेला अंदर गया और कहता कि मैंने पीछे से कहा इमरान इमरान, उसे मुड़ के देखा ही नहीं। और कहता हालांकि हम सारे हर वक्त उसे घर के साथ अंदर होते थे, लेकिन अब उसने एक ना लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन से आगे कोई नहीं जाएगा घर के अंदर। हाँ, इस तरह से उसने अपना किया हुआ कि अंदर उसने अपना, जब खान उसके पास जाता है तो फिर कोई उसके साथ नहीं जा सकता अंदर, कोई नहीं जा सकता। चाहे वो भी गलत किसी को क्या, भूल जाओ तो सब जाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ये खान को कहे कि मैं आपकी पोलिटिकल लाइफ में मैं पब्लिकली नहीं आऊंगी, लेकिन पीछे प्राइवेटली मैं सब मैं क्वीन हूँ यहाँ पे बस। ये उसे कंट्रोल वगैरह रखा हुआ अंदर। वायरस की बीवी है वो, बस एक उसने इंटरव्यू दिया था उसके नदीम मलिक को, उसके बाद वो आई है, उसी की स्टेटमेंट आई है, तो बस यही तो है। रेहान खान तो आपको तो पता है वो पॉलिटिकली कितनी, ये पीछे बैठ के अगर कोई चीज, ये मेरे ख्याल में खान वो मुझे नहीं बोला, कहते ना कि मैंने पूछा खान से भी कैसी तुम्हारी मैरिज लाइफ, कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी शक्ल देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सारा दिन मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। और फिर मुझे भाई वो मोकल है, मोकल का मतलब है कि वो जिन भी है उसके अंदर जो मोकल होता है उसे पता तो लग जाता है ना क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा भाई। लेकिन तुम्हें मुझे ये बताओ, जरदारी घर से निकलता है 6 काले बकरे कुर्बान करके, हर जरदारी हो गई, बेनजीर हो गई, फलाना मुशरफ, इन सारों ने बुजुर्ग रखे हुए थे, नवाजी ने रखे हुए थे, इन सारों को अपनी जान का खतरा होता है, इन सारों को पता होता है कि उनके इर्द गिर्द कितनी मुनाफत चल रही है, कितने दुश्मन है उनके, तो ये सारे अपने लिए रखते हैं, कौन नहीं रखता। हाँ तो बिल्कुल, उन्हें क्या कि मैं इतने धक्के खाए नहीं तो मैं तुम्हारे कहीं पहुंच ही रहा हूँ, तो अब मैं एक अपने लिए हजार बना लू अपने इर्द गिर्द कि मुझे कोई तो प्रोटेक्शन मिले। तो ये तो देखो ना, ये तो सारी दुनिया, मैं वो अर्दुगाल देख रही थी, कतलो भारत पूरा हाल, इतनी गंदी उधर भी गले काट, वो पावर के लिए तो दुनिया ने इतना खून बहाया है, अल्लाह की बना है।